नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं और इन डिजिट्स को यूज करते हुए आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है और हर डिजिट को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप करेंगे। देखिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं आपके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब आप डिजिट्स ले लेंगे, आपको डिजिट्स दी हुई है 5, 7, 1, तो अब आप क्या करेंगे, इन डिजिट्स को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लेंगे। देखिए 5, 7, 1 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1, देन नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5 एंड 7, तो 3 डिजिट्स का हमारा स्मॉलेस्ट जो नंबर हुआ इन डिजिट्स को यूज करते हुए वो क्या हुआ 157। क्लियर है? तो इस तरीके से आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स 5, 7, 1 इक्वल्स टू 157। इसी तरीके से आप करेंगे, नेक्स्ट करके देखिए, ये हो गया है आपका ए, बी, बी आप फिर अगेन लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स कौन सी है, 209, 209 इज। अब देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है 209, अगर आप 0 पहले लेते हैं तो क्या हमारा नंबर हो जाएगा 029, लेकिन अगर आप 0 पहले ले रहे हो तो कितने डिजिट्स का नंबर हुआ, ये 2 डिजिट्स का नंबर हुआ ना, लेकिन हमें कितने डिजिट्स का बनाना है, 3 डिजिट्स का, है ना। तो इसीलिए हम 0 को क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे, उसके बाद 0, देन 9, तो हमारा स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा 3 डिजिट का, 209। क्लियर है? तो इस तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, और अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी 4 डिजिट नंबर दिए हुए हैं, जैसे अगर हम यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं, आपका है 1039, अब हमें 4 डिजिट्स मिली हुई हैं और हमें हर डिजिट को एक ही बार यूज करना है। ओके, तो इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट भी सेम हो जाएगी, द स्मॉलेस्ट 3 की जगह आप क्या कर देंगे 4, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स, जो डिजिट्स दी हुई है उनको आप यहां पर लिख लेंगे 1039 इज। अब क्या करेंगे, यहां पर आप इन डिजिट्स को यूज करते हुए अगेन आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे छोटा नंबर हमारा 0 होता है, लेकिन 0 को हम पहले नहीं लेंगे डिजिट को, इसमें आप पहले 1 लेंगे, 1 के बाद 0 लेंगे, यानी कि 1039। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी पैटर्न का आप करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7 ईच ओनली वंस। तो यहां पर आपको इन डिजिट्स को यूज करते हुए जो डिजिट्स दी हुई है
सभी डिजिट्स को आपको एक बार यूज करना है और सबसे छोटा नंबर जो इनको यूज करके बन सकता है वो आपको बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिजिट्स द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स थ्री वन जीरो फाइव एंड सेवन इज। तो आप देखिए अगेन आप क्या करेंगे, इन सभी डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर हमारा वन, देन जीरो, देन थ्री, फाइव, सेवन मीन्स 10,357। जो स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट्स को लेकर के हम फॉर्म करेंगे वो क्या होगा, 10,357। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन में आपने सभी डिजिट्स को कितनी बार यूज किया है, वन टाइम, है ना। अब जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट, इसमें आपको क्या करना है, जो डिजिट दी हुई है उसमें एक डिजिट को आपको टू टाइम्स यूज करना है, ट्वाइस यूज करना है आपको। यहाँ पर देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट टू एंड सेवन, यानी कि आपको डिजिट्स कितनी दी हुई है, टू डिजिट्स दी हुई है और इसमें आपको करना क्या है, रिपीटिंग सेवन, सेवन को आपको क्या करना है, रिपीट करना है कितने टाइम्स, टू टाइम्स। अब टू टाइम्स आपको सेवन को रिपीट करना है तो हमारे डिजिट कितने हो जाएंगे, थ्री डिजिट्स हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है इन टू डिजिट्स को, जिसमें से कि आप सेवन को रिपीट कर सकते हैं और आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो फिर आप लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स टू एंड सेवन रिपीटिंग सेवन टू टाइम्स इज। तो अब आप क्या करेंगे, टू आपका सबसे छोटा नंबर है ही, उसके बाद सेवन और हम रिपीट किसको कर सकते हैं, सेवन को, तो एक और बार हम लिखेंगे सेवन। तो इस तरीके से हमारा थ्री डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 277। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एट के बाकी पार्ट्स जो हैं, आपको अगर टू डिजिट्स दिए हुए हैं तो आप टू डिजिट्स लेंगे और जिस नंबर जिस डिजिट को रिपीट करने के लिए दिया है उस डिजिट को आप रिपीट करेंगे। और आज आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।